अजीत डोभाल के पीओके प्लान से पाकिस्तान में बौखलाहट। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अरसा पहले अखंड भारत का सपना देखा था, क्या वो सपना 2020 में पूरा होने जा रहा है? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि पीओके को लेकर हिंदुस्तान के कई एक्शन प्लान सामने आ रहे हैं। पीओके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बहुत बड़ी बैठक की है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले हमारे कश्मीर के अच्छे दिन आने वाले हैं। आजकल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दहशत में है। भारत के आक्रामक रवैये से बाजवा के फौज की हालत पतली हो गई है। बात इतने तक ही सीमित होती तो इमरान के माथे पर पसीने नहीं आते, लेकिन इमरान इसलिए भी दहशत में है क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान का प्लान पीओके पर अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है। उन्हें मालूम चल चुका है कि भारत पीओके को लेकर कुछ बड़ा करने वाला है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने मिलकर पाकिस्तान से पीओके को आजाद कराने का सुपर हिट फॉर्मूला तैयार किया है। हिंदुस्तान के चार मजबूत पिलर पाकिस्तान से पीओके को आजाद कराने का प्लान एक साथ मिलकर बना रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति के अध्यक्ष अजीत डोभाल की भूमिका सबसे अहम है। ये बात हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि शनिवार की रात एनएस अजीत डोभाल ने एक बड़ी बैठक की है। डोभाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, रॉ चीफ, आईबी चीफ, नॉर्दर्न आर्मी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, 15 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल राजू, 16 कोर कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष गुप्ता के साथ साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह भी शामिल हुए। 5 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में जम्मू कश्मीर के साथ साथ एलओसी पर हालात की समीक्षा की गई। एनएसए डोभाल को हिजबुल कमांडर रियाज नायकू के खात्मे के बाद कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की एक एक जानकारी दी गई। डोभाल को घाटी में मौजूद आतंकियों की लिस्ट सौंपी गई। अधिकारी ने डोभाल को यह जानकारी दी कि जैश मोहम्मद के 25-30 आतंकी कश्मीर में मौजूद सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश को अंजाम दे सकते हैं। इस जानकारी को साझा करने के बाद सभी अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर बात की। अब आप जरा सोच कर देखिए, जब डोभाल की टेबल पर पीओके के टेरर की कुंडली रखी गई होगी, टेरर कैंप के बारे में बताया गया होगा, तो उनका रिएक्शन क्या रहा होगा? जाहिर है इसके बाद पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड को कैसे तबाह करना है, इस पर भी जरूर बात हुई होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि यह नया हिंदुस्तान अब आतंकियों के घुसपैठ का इंतजार नहीं करेगा। जहां सभी घुसपैठ करने की सूचना मिलेगी, वहां घुसकर आतंकियों का सफाया करना हमारा फर्ज होगा। पीएम मोदी ने 22 अप्रैल 2019 को कहा था कि आज हर आतंकी को पता है, अगर देश के किसी हिस्से में बम धमाका किया तो यह मोदी है, उन्हें पाताल में से भी खोज कर सजा देगा और उनको उनके आकाओं को भी खत्म करके रहेगा। वैसे आप ये मानकर चलिए कि 2020 में यह प्लान सिर्फ पीओके में सेना के स्ट्राइक तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह से पहली बार भारत ने पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान की वेदर रिपोर्ट जारी करके पाकिस्तान में खलबली मचाई है और पाकिस्तान घबराया हुआ है, उसके बाद तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि अगला एक्शन पाकिस्तान से पीओके को आजाद कराने वाला होगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसके बारे में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंडिया न्यूज़ वर्ल्ड की रिपोर्ट।